Vivo X90 वर्सेस iPhone 14। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो रात बेट। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo X90 और iPhone 14। तो गाइस बात करते हैं Vivo X90 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं iPhone 14 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Vivo X90 के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं पे iPhone 14 की, तो यहाँ पे आपको एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने काफी सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी iPhone 14 और इसी Vivo X90 के फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ और वीडियो जो शूट हो रहा है, तो यहाँ पे आप वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी अंदाजा लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
दोस्तों अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी आईफोन 14 और इसी वीवो X90 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो नो डाउट मुझे वीवो X90 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी बिकॉज आईफोन इतना महंगा है, फिर भी आपने देखा होगा कि जो पिक्सर है वो मुझे वीवो X90 के बेटर लगी। यू नो उसके अंदर ब्राइट फोटोज आती है, इवन वीडियो भी आप देखो तो वीवो X90 का मुझे बेटर लगा। लेकिन जो हमने नाइट में फोटोज क्लिक किए थे दोनों ही फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए, वो मुझे आईफोन 14 का बेटर लगा। उस मामले में वीवो का इतना अच्छा नहीं था जो फ्लैश लाइट ऑन करते हुए हमने जो फोटोज क्लिक किए थे रूम के अंदर, वो तो वो एक थोड़ा बहुत अच्छा लगा आईफोन का। अदरवाइज देखा जाए प्राइस के हिसाब से या तो एक मॉडर्न फ़ोन जैसे कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है वट एवर, तो यहाँ पे आपको वीवो X90 जो वो बेटर परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। यू नो मेरे हिसाब से हो सकता है किसी किसी को आईफोन का भी कैमरा क्वालिटी पसंद हो, तो ये कोई हेट पहुँचाने वाली बात नहीं है, ये मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन है, जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बताया। तो आपको भी इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन को जो बाय करना है तो यू शुड बाय वीवो X90। तो अभी गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।